तो आज हम लोग कर रहे हैं एनर्जी बैंड गैप। तो पहले एनर्जी बैंड गैप का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड एपरेटस जो रिक्वायर्ड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड और थर्मोमीटर चाहिए होता है। लेकिन वर्चुअल लैब में एक लिक्विड कंटेनर भी होता है जो यूज करते हैं। जो हमारी एक्चुअल लैब है वहाँ पे किट होती है, लेकिन वर्चुअल लैब में जो है वहाँ पे थोड़ा अलग सा एपरेटस है, वो एपरेटस नहीं है जो हम यूज करते हैं। ये लिंक और शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, है ना, चैट बॉक्स में। तो जब मैं परफॉर्म करूंगी तब आप लोग भी साथ साथ करिएगा। मैंने ये जो लिंक है वर्चुअल लैब का, या IIT बॉम्बे की वर्चुअल लैब है, तो इसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। ठीक है, तो जब मैं परफॉर्म करूंगी वर्चुअल लैब में तो साथ साथ आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान है वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट ये। तो जब वर्चुअल लैब ओपन करेंगे IIT बॉम्बे की, तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आता है। इसमें एम्स भी जा सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, प्री टेस्ट है, प्री टेस्ट कर सकते हैं। साथ में प्रोसीजर भी दे रखा है कि कैसे प्रोसीजर है इसका, तो प्रोसीजर पढ़ सकते हैं। सिमुलेशन में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है उसमें जाते हैं, है ना, क्योंकि अब तक आपने एक भी एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब में नहीं किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं तो हम फिर वर्चुअल लैब के उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। ये अबाउट द एक्सपेरिमेंट है, इसकी थ्योरी है। हमें पता है सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसका बैंड गैप इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा होता है, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ बैंड गैप दिया भी है कि जर्मेनियम के केस में 0.7 है और सिलिकॉन के केस में 1.1 ईवी है। अगर हम रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हैं, रिवर्स करंट लेते हैं, तो जो करंट सैचुरेशन करंट की इक्वेशन आती है वो IS A T2 3/2 ई टू पावर, यहाँ पे ई की पावर है ना, यहाँ पे भले जो वहाँ पे भी थ्योरी है ये करेक्शन है। तो ये इस तरीके की इक्वेशन है, वहाँ पे प्रॉपर टाइप हुई भी नहीं है। आई सफिक्स में एक्स सैचुरेशन करंट, ए कांस्टेंट है, टी टू पावर 3/2, फिर स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल टू पावर ई जी बैंड गैप, ई जी अपॉन स्मॉल के है KT, वेयर के क्या है, बोल्ट्समैन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट टर्म है, आई सैचुरेशन करंट है, ई जी बैंड गैप है, टी टेम्परेचर है। तो हम टेम्परेचर नोट करते हैं, बेसिकली हम कैल्विन में लेके चलते हैं टेम्परेचर, नोट तो सेल्सियस में करते हैं, बाद में उसको कैल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं फिर उसका लॉग ले लेते हैं। तो अगर हम लॉग लेंगे, ये base 10 है, लॉग base 10 IS इक्वल टू कॉन्स्टेंट है -5.04 EG 10^3/T। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट यानी कि लॉग base 10 IS और 10^3/T इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, उस स्लोप को 5.04 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे बैंड गैप की वैल्यू आ जाती है। तो क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे 10^3 और टी के बीच में लॉग IS के साथ base 10, और जो स्लोप आएगा उसको 5.03 से डिवाइड करेंगे तो बैंड गैप मिल जाएगा। ये सर्किट है कि क्या करते हैं, पावर सप्लाई से वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव साइड से और बैटरी के पॉजिटिव साइड से। इसका आप क्या करते हो, सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कनेक्शन करने पड़ेंगे जब वर्चुअल लैब में हम जाएंगे। और इसके पी साइड से एमीटर की जो है माइक्रोमीटर की पॉजिटिव साइड कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव साइड से वोल्ट मीटर का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो फॉर्म करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में टेम्परेचर नोट करना है सेल्सियस में, बाद में उसको कैल्विन में चेंज कर लेंगे, 273 ऐड कर लेंगे। वर्चुअल लैब में वो भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको टेम्परेचर और करंट की रीडिंग लिखनी होती है, चेंज वो वहाँ पे खुद ही हो जाता है, कैलकुलेशन वहाँ पे सब खुद हो जाती है वर्चुअल लैब में, है ना। तो टेम्परेचर नोट करेंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे, मैक्सिमम
75 डिग्री सेल्सियस से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग नोट करना, और फिर 5-5 डिग्री डिक्रीज करते जाएंगे, 10 रीडिंग के अराउंड हम ले लेंगे, है ना, कैलकुलेट कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट नोट कर लेंगे, करंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, और बाकी कैलकुलेशन वर्चुअल लैब में खुद हो जाएंगी, लेकिन आप करिएगा। और जब ये सब रीडिंग आ जाएंगी तो फिर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे, ग्राफ वहाँ पे वर्चुअल लैब में तो प्लॉट हो जाता है, बट आपको अपने नोटबुक में भी बनाना है, तो नोटबुक में ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाइएगा 10^3/t और लॉग IS के बीच में, और उसका स्लोप निकालिएगा। स्लोप को 5.03 या 0.4 से डिवाइड कर लीजिएगा 5.04 से, और जो आंसर आए वो आपका बैंड गैप हो जाएगा। इन दोनों में से जिसके साथ मैच करे उसके साथ परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है। प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं ले जाते, नहीं तो हमारा डायोड डैमेज हो सकता है ना। यस मैम है ना, मैंने वर्चुअल लैब की विंडो ओपन कर ली है IIT बॉम्बे की, और वहां पे वो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, सीधा हम एनर्जी बैंड गैप पे पहुंच गए हैं। तो आप यहाँ से एम, थ्योरी, प्री टेस्ट और प्रोसीजर पे जा सकते हैं। तो हम सीधा सिमुलेशन पे जाते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। पहले आप डायग्राम बना के देखिए, मैंने अभी सर्किट डायग्राम दिखाया था और मैंने कहा था ये सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है ना, तो पावर एनेबल करना है। पावर एनेबल पे करेंगे तो इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा प्लॉट बन के आता है, जब फाइनल प्लॉट बनना होता है तो किस तरीके की फिगर दिखती है एनर्जी बैंड गैप में। तो ये जो ये वाली लाइन है ना, सेकंड इमेज ऐसा फिगर दिखता है, तो यानी कि इस तरीके की लाइन दिखनी है। सेकंड इमेज को ध्यान से देखिए कि जो स्लोप चाहिए हमें इस तरीके की लाइन का चाहिए। ओके, इसको क्लोज कर दो। क्या करेंगे, पावर एनेबल करने के बाद प्लेस कंटेनर करेंगे, प्लेस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस जो यहाँ पे सामने आपको वर्किंग एरिया दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका प्लेस कंटेनर हो जाएगा। ऐसा हमारी लैब में नहीं है, हमारी लैब में जो एक्सपेरिमेंट है वो किट की फॉर्म में है, यहाँ पे लिक्विड कंटेनर लेके इसने कर रखा है। अब क्या करना है, ये सारी चीजें आपको कनेक्शन करनी है, वोल्ट मीटर का, बैटरी का, एमीटर का, डायोड का, और मुझे करके बताइए कि आप कैसा कर रहे हैं कनेक्ट, और मुझे इमेज भेजिए स्क्रीनशॉट लेके कि आपने क्या कनेक्शन किया। वैसे पता है इस वर्चुअल लैब में एक फायदा ये है कि अगर आप कनेक्शन गलत भी करें तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, एक्चुअल में सही सर्किट कनेक्ट करेंगे तभी आंसर मिलेगा। तो कनेक्शन करिए और मुझे सेंड करिए, फिर नहीं तो मैं दिखाऊंगी कि कैसा कनेक्शन करना चाहिए था आपको। स्टार्ट करो मैम। पावर इनेबल करने के बाद क्या करना है? पावर इनेबल करने के बाद प्लेस कंटेनर करना है और फिर सर्किट कनेक्ट करना है, जो सर्किट मैंने पीछे दिखाया था। कहो तो मैं साथ में देखो दोबारा दिखाती हूँ। ये सर्किट है, ये सर्किट आपको कनेक्ट करना है, ऐसा सर्किट आपको वर्चुअल लैब में कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, पावर सप्लाई का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, पावर सप्लाई का पॉजिटिव और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव डायोड के एन से, और नेगेटिव माइक्रोएमीटर के नेगेटिव से, और माइक्रोएमीटर और डायोड का पॉजिटिव आपस में। इस तरीके का सर्किट आप ना कॉपी पे बना लीजिए कि हमें ऐसा सर्किट वर्चुअल लैब में बनाना है। अभी तो आपको क्या करना है इसके बाद, हाँ तो अब क्या है, डायोड पे क्लिक करिए, डायोड को प्लेस करिए, डायोड जो प्लेस होगा वो इसके लिक्विड के अंदर करिएगा, है ना, क्योंकि फिर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो लिक्विड का ही तो टेम्परेचर मेजर करेंगे। चलो डायोड में आपके साथ साथ प्लेस कर देती हूँ। देखो मैंने डायोड पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है लाइट सा, है ना, फिर अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो डायोड आ जाएगा, तो पता लग जाता है मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है। ये डायोड प्लेस हो गया, अब आपको क्या करना है, बैटरी वोल्ट मीटर एमीटर प्लेस करने हैं और कनेक्ट करना है इन्हें आपस में। बैटरी पे क्लिक करेंगे बैटरी सिलेक्ट हो जाएगी, वोल्ट मीटर पे सिलेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर सिलेक्ट हो जाएगा, एमीटर पे सिलेक्ट करेंगे तो एमीटर हो जाएगा। देखिए बैटरी पे क्लिक किया,
सिलेक्ट हो गया, बैटरी रख दीजिए, इधर रख लेते हैं ऐसे ही, बाकी रख के कनेक्ट करके मुझे सर्किट भेजिए कि आपने ये कनेक्ट किया है। नहीं हो रहा। अरे कैसे नहीं होगा, देखो सामने है तुम्हारे, करो। बैटरी मैंने रख दी ऑलरेडी, एमीटर रख लीजिए, वोल्ट मीटर रख लेते हैं, कि जो मैंने सर्किट दिखाया था उसमें इससे सीधा क्या कनेक्ट हो रहा था, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर रख दिया, फिर वोल्ट मीटर और एमीटर चाहिए, तो डायोड से एमीटर कनेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे हम एमीटर रख लेते हैं, चलिए इधर कहीं। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्ट पे हम क्लिक कर सकते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो एमीटर और डायोड तो मैंने कनेक्ट भी कर दिया है ना, अब हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर, बैटरी और डायोड को कनेक्ट करना है, तो हमें कुछ पॉइंट्स और चाहिए, तो मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक पॉइंट यहाँ रखा सामने, एक इसके आमने सामने रख दो, एक इसके सामने रख लो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अंडू कर दे तो रुको, कंट्रोल जेड से अंडू भी हो जाते हैं, ठीक है। मैम कनेक्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट अलाइन में रखना पड़ेगा, अलाइनमेंट में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो बिना अलाइनमेंट के भी हो जाएगा, लेकिन देखने में नहीं अच्छा लगता ना, वो तो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई इशू नहीं है कि परफेक्ट लाइन में रखना ही है, तो वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी सी दिखती है, देखो अब जैसे अगर मेरा अब पूरा नहीं होगा तो लाइन थोड़ी ये वाली टेढ़ी जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करो, अब हमें कनेक्ट पे फिर क्लिक करेंगे, कनेक्ट कर लीजिए, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको देखो अभी थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, तो ऐसे दिख रहा है, बाकी और कोई इशू नहीं है, इसको इससे कनेक्ट करिए, इसको यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, पूरा हो गया। फिर ये नेगेटिव यहाँ क्लिक करिए, ये नेगेटिव यहाँ क्लिक करिए, ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को नेगेटिव से क्लिक कर लिया, ये नेगेटिव यहाँ नेगेटिव से क्लिक कर लिया, हो गया सर्किट, ठीक है। जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या साथ में देख के भी बना सकते हो साथ के साथ। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, प्लेस थर्मोमीटर करेंगे, यहाँ पे प्लेस थर्मोमीटर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, थर्मोमीटर भी प्लेस हो गया, तो अभी पूरा सर्किट पूरा हो गया। इसको करने के बाद यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट वोल्टेज, सिलेक्ट वोल्टेज में कोई सी भी वोल्टेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, सपोज मैंने 3 वोल्ट सिलेक्ट किया, अब इस पे क्लिक कर लेंगे कि अब हमने 3 वोल्ट सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ लिखा हुआ भी आएगा 3 वोल्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिर हमने 80 से ज्यादा नहीं रखना, तो इसका टेम्परेचर कम करेंगे, कितना करेंगे, 75 हमने इसका टेम्परेचर रख लिया। फिर हम यहाँ पे फाइंड रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 28.226। अब आपको क्या करना है, ये टेम्परेचर डिक्रीज करना है 5 डिग्री और उसके रिस्पेक्ट में सैचुरेशन करंट की वैल्यू नोट करनी है, और यहाँ नीचे देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल भी है, तो किस करंट पे, जैसे 75 पे हमारा सैचुरेशन करंट कितना आया, 28.226, ठीक है। सेम ऐसे ही सबके लिए आप टेम्परेचर के लिए करंट की वैल्यू नोट करिए, जब ये पूरी ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी, यहाँ कैलकुलेट डाटा करेंगे, ये केल्विन में 10^3/T में और लॉग बेस 10 IS में खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर यहाँ ड्रॉ ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ क्लिक होके हो जाएगा, फिर उस ग्राफ से देखिएगा कि आपको कौन से पॉइंट ऐसे लग रहे हैं जो उस जो फर्स्ट फिगर अभी आई थी उससे मैच करते हुए उनका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे तो स्लोप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे खुद बना के देखना है और फिर वहां पे स्लोप निकालना है, क्योंकि फाइल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना है, जिनका लैब के अंदर नहीं हुआ उनको तो वर्चुअल लैब से ही करके फाइल के अंदर नोट करना है ना, तो फिर प्रॉपर वहां पे सब चीजें बनेंगी, ऑब्जर्वेशन टेबल भी और ग्राफ भी। तो मुझे अभी कैलकुलेट करके बताइए 70 पे 65 पे कितनी रीडिंग्स आ रही है, मैं फिलहाल यहाँ पे वैल्यू लिख दे रही हूँ कि मुझे इन पे आंसर चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताइएगा, चैट बॉक्स में सेंड करिएगा, चेक कर लीजिए। गौरव जो है गड़बड़ कर दिया ना 70, अच्छा तुम क्या तुमने 10-10 का डिफरेंस रख लिया है? यस मैम। ठीक है, ये भी ठीक है, और इसमें तुम्हारी ग्राफ भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, 65 पे आ रहा है 21.26।
वन फाइव 65 पे है ना, 65 के बाद है 55, तो 10 10 का डिफरेंस भी कर सकते हैं, पे हैं 3.03। अगर आपने 10 10 का डिफरेंस लिया है तो ये रीडिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन जो आप स्टेप रखेंगे, जो डिफरेंस रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर 5 5 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 5 5 का लीजिएगा, सारी रीडिंग्स में 10 का लिया है यहाँ पे तो 10 का लीजिएगा। कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये सारा कैलकुलेट खुद होके आ गया। अपने फाइल में जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वहां फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ ड्रॉ ग्राफ पे करेंगे, देखिए लाइन भी आ गया। अब आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे, फिर इस ग्राफ पे जाएंगे। इस ग्राफ पे आपको दोनों वैल्यूज दिख रही हैं, एक्स एक्सिस की भी और वाई एक्सिस की भी। तो क्या करोगे, यस जब इस पे मैम, क्लिक करोगे या एंटर स्टार्ट करोगे, 2.9585, मैं 4 डिजिट तक ले रही हूँ, कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू स्लोप लिख वन लेती हूँ। आया पांच मैम। पॉइंट चलिए मैं देख रही हूँ कितना आ रहा है मेरे का, ठीक है, 3.3557 कॉमा 0.8047 फाइन स्लोप। तो मेरा तो नहीं आ रहा है, देखिए वन है ना, ये आ रहा है -0.745। माइनस साइन तो कंपनसेट हो जाएगा माइनस के साथ, तो यहाँ पे 0.7 मैम 1.029 आ रहा है। है ना। तो अब जो भी स्लोप आ रहा है उसको यहाँ पे नीचे वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपका बैंड गैप कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे मेरा आ रहा है जीरो फिलहाल पॉइंट टू जीरो जीरो पॉइंट फोर वन हाँ, तो जो आपकी रीडिंग, आपने जो स्लोप वैल्यू ली है अकॉर्डिंग आपका जो सैचुरेशन करंट मिलता है, क्योंकि वो मिली एम्पियर में मिल रहा है यहाँ पे, और हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो माइक्रो एम्पियर में है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कन्वर्ट करके भी रीडिंग फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में चेंज करा है और यहाँ पे मैंने रीडिंग फिल की है, और रीडिंग फिल करने के बाद बाकी और कुछ चेंज नहीं हो रहा है इस पूरे पैटर्न में, सिर्फ आपकी जो वैल्यू चेंज है, एक लॉग आईएस चेंज होगा, तो यहाँ पे ये 4 आ जाता है 1 की जगह, क्योंकि ये 4 5 डिजिट नंबर बन जाता है, तो 5 डिजिट पे फिर ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा लॉग जब लेंगे। और ग्राफ भी शेप सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो चेंज होगा, और स्लोप और एनर्जी बैंड गैप सेम वही आ रहा है जो हमने मिली एम्पियर से कैलकुलेट किया था। तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे माइक्रो लिख सकते हैं और मिली भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो।